मोहम्मद आमिर नॉट प्लेइंग टुडे और वो कराची में विदित इलाके मुताबिक मौजूद हैं और रिहैब कर रहे हैं, शायद अगले दो दिन में तीन दिन में ठीक हो जाएंगे। उनकी कमी महसूस होगी कराची को और ये एक बड़ा ब्लो है उनके लिए, बिकॉज कुछ भी है, सीनियर बॉलर हैं और विकेट भी ली लास्ट मैच में लेकिन फिर अनफिट हो गए। उससे पहले दो फिर एक ली थी, तीन हो गई। देखिए मेरे हिसाब से आमिर को टीम में खिलाने का या खेलने का एक ही फायदा होगा कि अगर वो कराची किंग्स को विकेट्स लेके देगा तब। अगर वो विकेट्स नहीं लेके देगा, बेशक आप 140 में बॉल करें, बेशक आप 145 में बॉल करें, विकेट ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं ऐसी नहीं, आप एक्सेप्शनल एक बॉलिंग करके देना, आप एक रिस्पेक्ट किया जाता है। देखिए ऐसी बात है, आपके बारे में लोग कहते जी वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। आप जब नए नए आए थे आपके बारे में कहते थे कि नेक्स्ट वसीम अकरम मिल गया। मैंने उस टाइम भी बोला था कि भाई थोड़ा सा चलने तो पता चल जाएगा वसीम अकरम है या नहीं है। वो सबको पता चल गया कि क्या है वो वसीम अकरम है या नहीं। अकरम ही है वहां पे अब, क्या ठीक है ना, ठीक है ना, वसीम अकरम है या नहीं वो आमिर का सबका पता चल गया। बात यह है कि आपकी जिससे मैंने पहले भी एक दो शोज में पहले आपसे जिक्र किया, हर टीम का कोई ना कोई फास्ट बॉलर वो अपनी टीम को विकेट्स दिला रहा है, आमिर वो नहीं कर पा रहा। तो मेरे हिसाब से आमिर उस लेवल का मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर वो नहीं भी खेलेगा तो कोई मसला नहीं।